पीएम मोदी ने कहा, इतनी आत्मीयता से आपने उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अफवाह फैलाने की साजिश की जा रही है। कहा, उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां आकर के विश्वास देने के लिए आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दो धाराएं हैं, एक धारा पहाड़ को विकास से वंचित रखे और दूसरी धारा पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दे। पीएम मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन हर घर जल हर घर नल से जल का प्रयास है। पिछले 2 साल में देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। पीएम मोदी ने कहा, बड़ी योजनाओं के आते ही पिछली सरकारों ने योजनाओं को सालों साल अटका कर रखा था। पीएम ने आगे कहा कि उत्तराखंड की स्थापना को 20 साल पूरे हो चुके हैं। कहा, पिछली सरकारों ने चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो कहा था, उन सरकारों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। उन्होंने कहा कि मैं खुद उत्तराखंड के विकास के लिए जी जान से जुटा हुआ हूं।